हमारे बीटीएस के मेंबर वी और ब्लैकपिंक के मेंबर जेनी की डेटिंग को लेकर कई सारी बातें चलती रहती हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि तैनी रियल है और उनके काफी सारे प्रूफ हैं, लेकिन कई सारे लोगों का मानना है कि ये बस आर्मीज और ब्लिंक्स का मिसकंसेप्शन है। लेकिन एक बार ब्लैकपिंक की मेंबर जिसो और जेनी की फ्रेंड ने खुद इस बात को कंफर्म किया था कि वी और जेनी एक ही जगह पर एक ही समय पर मौजूद थे और कई सारे आर्मीज और ब्लिंक्स जो सोच रही थी वो बिल्कुल सच है। जिसके बाद कई लोगों ने ये कहा था कि जिसो का इस तरीके से इनडायरेक्टली ये कंफर्म करना कि वो भी वहीं पर थी जहाँ पर वी और जेनी थे, इस बात को प्रूव करता है कि जेनी और वी का रिलेशनशिप रियल है, और शायद इनडायरेक्टली जिसो भी हमें यही बताना चाहती थी। लेकिन आखिर पूरी बात क्या है वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, जिसो जेनी के साथ काफी सारी जगह पर घूमती हैं और ब्लैकपिंक की मेंबर्स अक्सर एक दूसरे के साथ ही नजर आती हैं, चाहे वो हॉलीडेज पर हो या फिर वो कहीं पर भी गई हो। और एक बार इसी तरीके से वी और जेनी की कुछ फोटोज और लोकेशन काफी वायरल हो गई थी, जहां पर बताया जा रहा था कि शायद वी और जेनी एक दूसरे के साथ ही एक ही लोकेशन पे लंदन या फिर पेरिस में दिखे थे, क्योंकि उन दोनों ने एक ही जगह पर फोटोज भी पोस्ट करी थी और उनमें काफी कम दिनों का जो डेज था वो गैप था, और कई सारे लोगों का मानना था कि वी और जेनी एक ही लोकेशन पर गए थे। हालांकि फिर बाद में कई सारे फैंस ने बोला कि ये तो बस स्पेकुलेशन हो सकती है, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, सेम जगह पर तो कई सारे लोग घूमने जाते हैं, ऐसा वैसा। हालांकि दोस्तों, उसके कुछ ही दिन बाद जिसो ने, यानी ब्लैकपिंक की मेंबर जो हैं और जेनी की फ्रेंड भी हैं, उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज उसी सेम लोकेशन की पोस्ट करी थी, जिसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात क्लियरली बोली थी कि वो और जेनी वहां पर घूमने गए थे। और कई सारे आर्मीज और ब्लिंक्स को लगा कि जिसो ने जानबूझकर इस बात को क्लैरिफाई किया है कि उनके साथ जेनी भी थी, इस बात को प्रूफ करने के लिए कि वो वी के साथ वहां पर थी। क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे थे ना कि एक्चुअली जेनी वहां पर थी ही नहीं, या फिर जेनी की कोई पुरानी फोटो होगी, लेकिन जिसो ने विद डेट कंफर्म किया था कि वो और जेनी वहां पर घूमने गए थे, जिसके बाद कई सारे लोगों का मानना था कि जिसो ने इनडायरेक्टली तेनी को कंफर्म किया है और वो वी और जेनी के रिलेशनशिप के कंफर्मेशन और प्रूफ दे रही हैं। लेकिन वहीं पर कुछ फैंस जो कि तेनी के शिपर्स नहीं है, उनका अभी भी यही कहना था कि ये बस फैंस की एक अजम्पशन है, जिसो ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वहां पर वी थे, या फिर बीटीएस का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया, उन्होंने बस अपने और जेनी के वेकेशंस के बारे में आर्मीज और ब्लिंक्स को बताया था, तो इस बात का वी से कोई भी लेना देना नहीं है। और जिसो के इस क्लैरिफिकेशन को तेनी से जोड़ना भी काफी बेवकूफी भरी बात है, ऐसा कई सारे फैंस को लग रहा था। तो आप मुझे बताओ कि आपका इस बात को लेकर क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।